तो हेलो दोस्तों, फाइनली ऑन पॉपुलर डिमांड मैं ओयो के जो नए बिजनेस मॉडल है उसके ऊपर वीडियो बना ही रहा हूँ। कुछ महीनों पहले मैंने अपने यूट्यूब कम्युनिटी टैब में पोस्ट किए थे कुछ टॉपिक्स, और उसमें से वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक्स था कि यार ओयो के नए बिजनेस मॉडल के बारे में वीडियो बनाऊँ। तो अब मैं फाइनली उसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये बताऊँगा कि यार उनका पुराना बिजनेस मॉडल क्या था, उनको क्या प्रॉब्लम्स आई, और नया वाला बिजनेस मॉडल क्या है, और क्या ये बिजनेस मॉडल सही है। तो वीडियो को आखिर तक देखना, काफ़ी मज़ेदार होने वाली, बहुत रिसर्च करिए वीडियो पे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यार अब हम जल्दी से शुरू करते हैं। मॉडल के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि यार कुछ स्टैटिस्टिक्स जिसको आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगे कि ओयो कितनी बड़ी कंपनी है। तो करेंटली ओयो के अंदर 5 लाख से भी ज़्यादा रूम्स हैं, जो कि 500 से भी ज़्यादा सिटीज़ में है, और वो अभी 10 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं। तो अभी वो दुनिया की 3rd largest होटल चेन है, और उनका एम है कि 2023 तक वो दुनिया का लार्जेस्ट होटल चेन बन जाएगा। तो ज़रा एक बार सोचो कि यार 5 साल में रितेश अग्रवाल ने $5 बिलियन का स्टार्टअप बना दिया, ये कैसे हुआ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रितेश अग्रवाल की एज भी 25-26 साल की है, और मेरी खुद की एज भी यार 24 साल की, और मैं यहाँ YouTube चैनल बना रहा हूँ और उन्होंने $5 बिलियन का स्टार्टअप बना दिया। तो इनके सक्सेस के पीछे इनके बिजनेस मॉडल का भी काफ़ी हाथ है कि उन्होंने कैसे बिजनेस मॉडल को सही टाइम पे चेंज किया, तभी वो आज इतना बड़ा स्टार्टअप बन गया। मैंने जब अपना YouTube चैनल शुरू किया था तब मैंने अपनी पहली वीडियो रितेश अग्रवाल पर ही बनाई थी, तो वो वीडियो काफ़ी इंस्पिरेशनल है, काफ़ी मोटिवेशनल है। पूरा मैंने डिटेल में बताया कि यार इतनी छोटी उम्र में रितेश अग्रवाल ने इतना इनोवेटिव स्टार्टअप कैसे खोला, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना। अब हम थोड़ा बात करते हैं ओयो के बारे में। तो ओयो का अगर आप USP देखोगे, मेन चीज़ उनमें ये है कि यार वो स्टैंडर्डाइज्ड लिविंग स्पेसेस देते हैं। अभी स्टैंडर्डाइज्ड लिविंग स्पेसेस क्या है, इसका मतलब ये है कि यार जब आप ओयो के कोई होटल में जाओगे आप कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो, जैसे कि यार जो लिनन है, मतलब बेडशीट्स, टाइल्स, ये सब साफ़ होंगे, रूम्स क्लीन होंगे, एसी रूम्स यूजुअली होते हैं, वॉशरूम्स आपको क्लीन मिलेंगे, कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, और मोस्ट ऑफ द होटल्स में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कोई भी ओयो होटल में चले जाओ ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ये बेसिकली उसी टाइप का है कि आप डोमिनोज या पिज्ज़ा हट या KFC क्यों जाते हो, आप ये रेस्टोरेंट इसलिए जाते हो क्योंकि चाहे आप ये रेस्टोरेंट्स कोई भी सिटी में चले जाओ आपको पता है कि यार इनके खाने का टेस्ट कैसा होने वाला है और आपको इनके खाने का टेस्ट पसंद है। तो ये जो फूड चेन्स हैं उन्होंने अपने खाने को स्टैंडर्डाइज कर दिया है, आप कोई भी रेस्टोरेंट चले जाओ खाना आपको सेम टेस्ट का ही मिलेगा। सेम चीज़ ओयो होटल इंडस्ट्री में कर रहा है, और ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी चीज़ है क्योंकि उससे पहले नॉर्मली सब मार्केट प्लेस मॉडल फॉलो करते थे, Airbnb भी मार्केट प्लेस मॉडल फॉलो करता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यार ओयो रूम से पहले रितेश अग्रवाल ने ओरावल प्राइवेट स्टेज नाम का स्टार्टअप खोला था, और वो एक्चुअली में Airbnb का इंडियन वर्जन था, पर फिर उन्होंने कुछ महीने मार्केट रिसर्च करी और उनको पता चला कि यार ये जो स्टैंडर्डाइज्ड होटल वाला आइडिया है वो ज़्यादा बेटर है। वैसे अगर आप देखेंगे मेक माई ट्रिप, जो कि कई सालों से चल रहा है, वो भी मार्केट प्लेस मॉडल पर चलता है। GoIBGO जिनको मेक माई ट्रिप ने खरीद लिया वो भी मार्केट प्लेस मॉडल पर चलता था। तो जब ओयो को प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया तो उन्होंने फिर ग्रोथ पे फोकस किया, अपने बिजनेस को स्केल अप करने पे फोकस किया, और फिर वो काफ़ी तेज़ से बढ़ने लगे, हर जगह ओयो होटल्स दिखने लगे। पर फिर आपने बीच में देखा होगा कि यार ओयो की जो क्वालिटी है वो काफ़ी गिरने लगी, क्योंकि यार ये फ्रीक्वेंटली होता है जब एक कंपनी बहुत तेज़ से स्केल अप करता है तो क्वालिटी गिरता है। तो तब सोशल मीडिया पर भी काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे ओयो के खिलाफ कि यार ये एडवर्टाइजमेंट्स अच्छा करते हैं पर होटल्स वैसे ही पुराने की तरह बेकार ही बेकार होते हैं। तब रितेश अग्रवाल ने डिसाइड किया कि यार अगर हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हमारा USP ख़त्म हो जाएगा, और हम कितना भी पैसे रेज कर लें या कितनी तेज़ी से ग्रो कर लें हम एंड में डूब जाएंगे, तो इसलिए हमको बिज़नेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा। और यार ये बिज़नेस मॉडल कोई एक फिक्स चीज़ नहीं होती। अभी रिसेंटली विजय शेखर शर्मा जो कि फाउंडर एंड CEO Paytm के, उन्होंने बोला था कि यार एक कंपनी का बिज़नेस मॉडल ढूंढना मतलब भगवान को ढूंढने के समान है। तो यार ये उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि मार्केट बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, इंडस्ट्री चेंज होती रहती है, नया नया कॉम्पिटिशन आता रहता है, तो आपको भी अपने बिज़नेस मॉडल को ऐसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो 2016 के मिड में रितेश अग्रवाल ने डिसाइड किया कि यार अब ओयो का बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा। तो अभी तक ओयो एक एग्रीगेटर और फ्रेंचाइजी मॉडल के बीच का मॉडल टाइप का चीज़ फॉलो करता था। तो वो बेसिकली क्या करता था, एक होटल के 10-15 रूम्स ले लेता था अपने अंडर, फिर उसको अपने हिसाब से स्टैंडर्डाइज करता था, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करता था, बढ़िया करता था,
और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अपने नाम से, मतलब वो कोब्रांड करता था ओयो रूम्स के नाम पे और फिर अपने ऐप और वेबसाइट पे बेचता था। तो यार ये कोब्रांड वाली चीज़ बहुत सही है, क्योंकि यार वो होटल्स अपने नाम पे बेचता था, ना कि जो होटल का एक्चुअल नेम है। मेक माई ट्रिप एयरबीएनबी में जो होटल का एक्चुअल नेम है या जो वेकेशन होम का एक्चुअल नेम है उस पर बेचा जाता है, जबकि ओयो अपने नाम पर बेचता है, क्योंकि यार वो अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहता था। अब इससे क्या होता था यार, रूम की क्वालिटी तो वो इम्प्रूव कर लेते थे पर वो पूरा कस्टमर एक्सपीरियंस नहीं कंट्रोल कर पाते थे। अब इसमें आप बोलेंगे इसका मतलब ये कि यार रूम आपका बहुत मस्त होगा, पर यार जब आप होटल को एंटर करोगे जो होटल लॉबी है वो तो उनके अंडर नहीं था, तो वो कभी कभी गंदा होता था जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता था। फिर जो स्टाफ कैसे कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जो ब्रेकफास्ट मिल रहा है उसकी क्वालिटी, जो डाइनिंग हॉल है उसकी क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता था। और एक और जो प्रॉब्लम आती थी वो ये कि यार ये जो 10-15 रूम्स तो वो अपने अंडर ले लेते थे, तब वो होटल ओनर्स को ना पूरे महीने के हिसाब से पूरा प्राइस देते थे। तो सोचो कि यार हर रूम का 2000 रुपये प्रति नाइट के हिसाब से वो होटल को दे देते थे, और फिर वो अपने हिसाब से, क्योंकि उनके पास फंडिंग थी, डिस्काउंट्स में बेचते थे, जैसे 1000 रुपये 1500 रुपये पर नाइट के हिसाब से बेचते थे। इसमें क्या हुआ, कुछ होटल ओनर्स ना फेक बुकिंग करने लगे, तो इससे ओयो का और नुकसान होने लगा। तो उनको समझ आ गया कि अब टाइम आ गया बिजनेस मॉडल चेंज करने का। तो जो नया बिजनेस मॉडल वो लेके आए वो था फुल स्टैक एसेट फ्रेंचाइजिंग एंड लीजिंग मॉडल। तो भाई ये नाम बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, एक्चुअली में क्या है कि यार ये फ्रेंचाइजी मॉडल लेके आए, सेम मॉडल जिसमें मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्ज़ा हट ये सब काम करते थे, वही सेम मॉडल वो होटल इंडस्ट्री में लेके आए। तो इसमें क्या करते थे, वो पूरा होटल को अपने अंडर ले लेते थे और सब कुछ खुद कंट्रोल करते थे, मतलब किचन, होटल स्टाफ और रूम्स सब कुछ उनके अंडर आता था, ताकि सारा जो पूरा कस्टमर एक्सपीरियंस है वो अपने हिसाब से सेट कर पाएँ और कस्टमर्स को खुश कर पाएँ। तो आप ये बोलोगे कि यार ये उन्होंने पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि इससे तो कस्टमर्स खुश रहते हैं। तो इसमें दिक्कत ये है कि यार कस्टमर्स तो खुश रहते हैं पर इसमें पैसे बहुत लगते हैं, ऑपरेशनली ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि सब कुछ आप खुद ही मैनेज कर रहे हो, तो इसलिए कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो सारी स्टाफ की हायरिंग, ट्रेनिंग सब कुछ वो खुद करने लगे, और जिस क्वालिटी के वो स्टाफ चाहते थे उस क्वालिटी के स्टाफ उनको मार्केट में मिल नहीं रहे थे। तो इसलिए उन्होंने ओयो स्किल इंस्टीट्यूट्स इंडिया भर में सेटअप किए, और अभी उनके 25 से भी ज़्यादा स्किल इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें से 10,000 यंगस्टर्स ट्रेनिंग ले चुके थे। तो ये तो उन्होंने स्टाफ की क्वालिटी इंप्रूव करी। फिर नॉर्मली क्या होता है, जब फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट साइन होता है वो पूरा साइन करने में वो प्रोसेस ना काफ़ी लंबा होता है, तो ओयो ने टेक्नोलॉजी की यहाँ पर मदद ली और ये प्रोसेस है इसको काफ़ी छोटा कर दिया। नॉर्मली फ्रेंचाइजी साइनिंग प्रोसेस जो बहुत महीने लेता था वो 5 दिन के अंदर कर देते थे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ स्टैंडर्डाइज कर दिया था, सब कुछ सेट कर दिया था, तो होटल ओनर्स को पता रहता था कि उनको क्या मिलने वाला है। तो पूरा डिटेल में डेटा और टेक्नोलॉजी की मदद लेके बताते थे होटल ओनर्स को कि यार अभी कितना खर्चा लगेगा रेनोवेशन में, फिर होटल ऑक्यूपेंसी रेट कितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो उससे नेट इनकम कितना बढ़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, सब कुछ वो डिटेल में होटल ओनर्स को समझाते हैं। फिर होटल ओनर्स जैसे ही फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट साइन करता है तो फिर जो ओयो के डिज़ाइनर्स है, आर्किटेक्ट है, वो आके होटल को चेक करते हैं और फिर डिटेल में बता देंगे क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है। और नॉर्मली जब होटल का रिनोवेशन में कई हफ्तों लग जाते हैं, ओयो 3 से लेकर 14 दिन में पूरा रिनोवेशन कंप्लीट कर लेता है, और ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। मतलब 2 हफ्तों में आप होटल को पूरा रिनोवेट कर रहे हो, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। ये इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यार उन्होंने पूरा ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, और ये सेटअप करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, और इसीलिए ओयो इतनी ज़्यादा फंडिंग उठाती है। तो अगर मैं आपको और एग्जाम्पल दूँ जिसमें ओयो टेक्नोलॉजी की मदद लेता है, नॉर्मली क्या होता है कि यार एक होटल में एक जो फ्लोर मैनेजर है वो 20 रूम्स मैनेज करता है, पर ओयो टेक्नोलॉजी की मदद से एक उनका जो फ्लोर मैनेजर है वो 100 रूम्स मैनेज करता है। आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसी ट्रेनिंग या ऐसी टेक्नोलॉजी क्या है कि यार एक बंदा 5 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया। इसमें ट्रिक ये है कि यार अगर आप ओयो रूम्स गए हैं, आपको पता होगा कि यार जब आप चेकआउट करते हो तब आपको रूम की रेटिंग देनी पड़ती है, तो ये जो फ्लोर मैनेजर है जिन रूम्स की बुरी रेटिंग होती है वही रूम्स चेक करता है, तो दिन में करीब 20-30 रूम्स चेक करता है जिनको अच्छी रेटिंग नहीं मिली है। और अच्छे रेटिंग्स वालों को तो चेक करने की क्या ज़रूरत, वो तो सबको पता ही है कि यार वो रूम्स अच्छे हैं इसीलिए उनको रेटिंग मिली है, तो इससे उनको स्टाफ भी कम हायर करना पड़ता है जिससे वो ज़्यादा पैसे कमा पाते हैं। फिर ओयो ने अपना जो इन हाउस ऐप ऑर्बिस भी
बनाया है जिसमें होटल ओनर्स पूरा ट्रैक कर सकता है कि यार कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, वो कितना पैसा कमा रहे हैं, कितनी ऑक्यूपेंसी रह रही है, क्या रेटिंग रह रही है, सब कुछ डिटेल में ऐप में अवेलेबल है और वो हर चीज़ का डेटा कलेक्ट करते हैं। क्योंकि यार जब आप डेटा कलेक्ट करोगे तभी तो आपको समझ आएगा कि यार कहाँ गलती हो रही है और कहाँ प्रोसेस इंप्रूव कर सकते हो। तो वो हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, चाहे वो क्लीनिंग हो, मेंटेनेंस हो, किचन ऑर्डर्स हो, चेक इन चेकआउट, सब कुछ का डेटा उनके पास रहता है। अब मैंने आपको कई डिफरेंट चीज़ें बताई जो ओयो करता है कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए। एक और जो वो बहुत बढ़िया चीज़ करता है वो है ओयो कैप्टन्स। तो ओयो कैप्टन्स क्या है, बेसिकली इनके लोकल ऑन ग्राउंड सपोर्ट है। तो एक ओयो कैप्टन क्या है, 4-5 होटल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब भी कोई कस्टमर जाता है, अगर उनको मान लो कि यार रूम पसंद नहीं आया या जैसा वो चाहते थे वो रूम, टीवी चल नहीं रहा, तो वो ओयो कैप्टन को कॉन्टैक्ट करेंगे और ओयो कैप्टन जल्दी से होटल को बोल के एक बढ़िया सा रूम में उनको शिफ्ट करेगा। नहीं तो यार वो अगर सपोर्ट को कॉन्टैक्ट करेंगे, सपोर्ट पहले फिर उनसे बात करके एग्जैक्ट इश्यू जानेगा, फिर वो होटल ढूंढ के होटल वालों से कॉन्टैक्ट करेगा और फिर रूम चेंज होगा, जो कि एक बहुत लंबा प्रोसेस है। पर ओयो कैप्टन बहुत जल्दी से उनके इश्यू रिजॉल्व कर देता है। तो जब भी कोई कस्टमर को और भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम, कि यार होटल एग्जैक्टली कहाँ है, कि और कोई आसपास की जगह उनको जानी है, तो ये सारा जो लोकल नॉलेज है वो ओयो कैप्टन्स की मदद से लेते हैं। और ओयो कैप्टन्स वीकली ऑडिट्स भी करते हैं होटल का, ताकि यार जो क्वालिटी ओयो ने प्रॉमिस किया है वो एक्चुअली में वैसे ही क्वालिटी हो। अभी ओयो कई डिफरेंट प्राइस सेगमेंट में ऑपरेट करता है। एक तो उनका नॉर्मल ओयो रूम्स है जिसकी प्राइसिंग 1000 रुपीज़ से शुरू होती है, फिर ओयो प्रीमियम है जो कि प्रीमियम लोकेशंस में होता है और रूम की क्वालिटी और भी बेहतर होती है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। फिर ओयो टाउन हाउस है जो कि मिलेनियल ट्रैवलर्स के लिए, वहाँ पर तो टीवी में वो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं। फिर प्रिंटर्स, सीटिंग एरिया, मीटिंग रूम्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, ये काफ़ी चीज़ें जो ट्रैवलर्स को चाहिए होती है उनको दिमाग में रखते हुए ओयो टाउन हाउस बनाया गया है। फिर अब जो कॉर्पोरेट जो लॉन्ग टर्म बुकिंग्स करते हैं वो उस फील्ड में भी आ गए। पहले तो होता था ना कि यार ज़्यादातर अनमैरिड कपल्स ओयो यूज़ करते हैं, अब वो बात नहीं रही है, अब काफ़ी कॉर्पोरेट भी ओयो रूम्स यूज़ करते हैं और वो कोलविंग स्पेसेस में भी आ चुके हैं जिसमें वो स्टूडेंट्स के लिए अपार्टमेंट्स ये सब भी प्रोवाइड करते हैं। फिर अगर आप कमर्शियल स्पेस की ओर जाओ, उन्होंने इनोवेट को खरीद लिया है और गुड़गांव में उन्होंने खुद का कोवर्किंग स्पेस पावर स्टेशन भी शुरू कर दिया है। उसके बाद जब भी कोई वेडिंग फंक्शन होता है तब काफ़ी रिलेटिव्स, काफ़ी गेस्ट आते हैं, तो उनके लॉन्ग स्टेज के लिए भी वो बुकिंग्स करवाते हैं। इसके लिए उन्होंने एक स्टार्टअप वेडिंग्स को भी खरीदा हुआ है और अब वो पूरे ट्रैवल पैकेजेस भी बेचते हैं, क्योंकि हर जगह ओयो रूम्स तो हैं ही, प्लस ओयो कैप्टन्स तो लोकल सपोर्ट के लिए हैं ही, तो अगर कोई कस्टमर्स को डाउट हुआ तो ओयो कैप्टन्स गाइड कर सकते हैं ताकि उनका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस भी बेहतर हो। तो इसमें ओयो कैप्टन्स काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। अब तो यार उन्होंने सब्सक्रिप्शन सर्विस भी शुरू कर दी है ओयो विजिट, जिसमें अगर आप रेगुलरली ओयो यूज़ करते हो या फ्रीक्वेंट बुकिंग्स करते हो ओयो में, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिलेंगे। करेंटली ओयो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों वे में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और क्योंकि उनका पूरा फुल स्टैक मॉडल है तो बहुत पैसे भी खर्च होते हैं, तो इसलिए वो इतनी ज़्यादा फंडिंग उठाते हैं। रिसेंटली उन्होंने $1 बिलियन की फंडिंग उठाई है, जिसमें से $150 मिलियन तो यार एयरबीएनबी ने इन्वेस्ट कर दिए, $100 मिलियन चाइनीज कैबलिंग स्टार्टअप दीदी चुकसिंग ने इन्वेस्ट किए और करीब $700-800 मिलियन सॉफ्टबैंक ने इन्वेस्ट किए। तो ओयो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और अभी वो ग्लोबल होटल चेन बन गए। देखते हैं कि यार आगे वो कौन से स्टार्टअप को अक्वायर करते हैं, कौन से नए फील्ड में एंटर करते हैं और क्या नई नई चीज़ें करते हैं। और अगर उनका ऐसे ही फोकस बना रहा है कि यार कस्टमर एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए, तो ओयो बहुत बड़ा बनने वाला है। क्योंकि यार ये बिजनेस मॉडल, चाहे पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हो इसमें, पर कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत मस्त रहता है और इसलिए कस्टमर्स ओयो रूम्स फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को रिकमेंड भी करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि यार ये बिजनेस मॉडल काफ़ी मस्त है। आप कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है। तो दोस्तों, आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ यार, एक चीज़ ज़रूर बताना कि यार आपको इस टाइप की वीडियोस कैसी लगी, जिसमें मैं काफ़ी डिटेल में एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ कि यार एक्चुअली में क्या हुआ है। क्योंकि यार मैंने सिर्फ ऐसा तो नहीं बता दिया कि ओयो टेक्नोलॉजी और डेटा यूज़ करता है, मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बताया, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगती है, वीडियो भी थोड़ी बड़ी बनती है। पर अगर आपको ऐसी वीडियोज़ पसंद है, मैं और ऐसी वीडियोज़ बनाऊँगा। और अब मैं आपको बोर करके पूरा लेक्चर नहीं सुनाऊँगा कि ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो। आपको पता है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, घंटे को दबाना है और इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, वहाँ अलग टाइप की वीडियोस आती हैं, तो जल्दी से वो सब करना। आगे हम ऐसे ही बिजनेस, मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप जैसी बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।